पहला पिस्टल मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है एयर पिस्टल प्रिंस। ये वुडन बट में एयर पिस्टल आता है, इसमें ब्रेक बैरल एयर पिस्टल होता है। इसको आपने ऐसे लोड किया, दबाया, ये लोड हो गया। यहाँ पे आपने पैलेट डालना है, पैलेट जो छर्रे कहते हैं उसको डाला आपने, बंद किया और ये फायर करने के लिए रेडी है। इसका प्राइस लगभग 1200 रुपये की रेंज में होता है। ये स्टार्टिंग प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस, बेसिक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ एयर पिस्टल्स के। उसके बाद थोड़ी सी और बेटर फिनिश में आप आएंगे जैसे ही, तो आपको हॉक का पिस्टल मिल जाएगा। एयर पिस्टल ब्रांडिंग बहुत अच्छी इसकी हॉक की लिखी हुई है इसमें। ये फुल मेटल बॉडी का एयर पिस्टल हैवी है वेट में, और फाइबर बट में इसका बट है, लकड़ी का बट नहीं है। ये इंडियन इंपोर्टेड, ये सब इंडियन एयर पिस्टल्स हैं। अभी मैं इंडियन दिखा रहा हूँ आपको, बाद में दिखाऊंगा इंपोर्टेड। जो ब्रेक बैरल एयर पिस्टल्स होते हैं वो अधिकतर इंडियन ही होते हैं। ये ब्रेक बैरल है, पावर कंपेरेटिवली उससे बहुत ज़्यादा है इसकी। इसकी रेंज क्या है सर? प्राइस रेंज 1800 रुपये। नहीं नहीं सर, जो अपना हिटिंग डिस्टेंस लगभग 60 मीटर, 60 मीटर की इसकी पावर होती है, मारक क्षमता जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। उसके बाद आ रहा था एयर पिस्टल ब्रूट का, सेम मैकेनिज्म, सेम लोडिंग, देखने में और खूबसूरत, थोड़ी इसकी बैरल और मोटी है। इसके बाद आ रहे थे CO2 गैस नहीं ऑपरेटेड होते हैं। ये ब्रेक बैरल जो होते हैं उसमें स्प्रिंगर होते हैं, इसको स्प्रिंग एयर पिस्टल भी कहा जाता है। फिर एक एयर पिस्टल आ रहा था इंडियन, देखने में काफ़ी खूबसूरत, वो है ब्लैंका एयर पिस्टल, जिसके साथ आपको ये आप देख सकते हैं एयर पिस्टल, ये काफ़ी खूबसूरत होता है। इसका मैकेनिज्म भी बाकी पिस्टल से डिफरेंट रहता है। इसमें क्या सिस्टम रहता है कि आपने ये बटन दिया हुआ है, इसको डाउन करा और उसके बाद इसको पीछे से कॉक किया और वापस बंद कर लिया। जब एक बार आपने इसको बंद कर लिया, ये फायरिंग पोजिशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद आपने आगे से बटन प्रेस किया तो 18 छर्रे जो कि मेटल बॉल्स होते हैं, ये जो मेटल बॉल्स इसके अंदर रखे हैं, 18 एक साथ आपने इसके अंदर डाल सकते हैं। या फिर जो पॉइंटेड वाले पैलेट होते हैं, जो सिल्वर रंग के होते हैं पॉइंटेड पैलेट, जो कि ये है, मैं आपको दिखा दूँ, ये भी कंपनी अपने साथ देती है, खोल के दिखा देता हूँ। ये पॉइंटेड पैलेट्स होते हैं, ये 1x1 डाल सकते हैं, या ये डालिए ये डालिए, दोनों में से एक चीज़ आप डाल सकते हैं। और आपने इसको लोड करने के बाद इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद इसमें एक और एडिशनल फीचर दिया हुआ है जो कि सेफ्टी है, सेफ्टी लॉक दिया हुआ है। आपने सेफ्टी लॉक प्रेस किया तो ये फायर नहीं होगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आप इसको फायर कर सकते हैं। आपने अनसेफ किया, जैसे फायरिंग लोड के लिए रेडी किया, फिर ये फायरिंग के लिए रेडी है। ये एयर पिस्टल काफ़ी डिमांड में है, ब्लैंका एयर पिस्टल। इसकी MRP है 7900 रुपये। हम काफ़ी खूबसूरत है, हम आपके माध्यम से, अगर आपके माध्यम से हमारे पास कोई आता है ब्लैंका एयर पिस्टल के लिए, हम उनके लिए प्राइस रखेंगे स्पेशल ऑफर 6500 जी। काफ़ी अच्छा ऑफर है सर। बिल्कुल सर, ये आपके लिए स्पेशल ऑफर, आपके चैनल, आपके व्यूअर्स के लिए है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो एक बार विजिट जरूर करें, काफ़ी मतलब जो भी है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, डील मिलेगा, बहुत अच्छे सर हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्राइस ड्रॉप भी मिल जाएगा यहाँ पे, आप जब विजिट करोगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आ जाता है सर इम्पोर्टेड इंग्लिश एयर पिस्टल्स, जो कि ताइवान के होते हैं, जर्मनी के होते हैं, USA के होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये इंग्लिश है एयर पिस्टल्स, ये देखने में हूबहू ओरिजिनल एयर पिस्टल की तरह से होते हैं, और मेटल वेट भी इसका बॉडी वेट भी फुल जैसा होता है, 1 kg के समथिंग होगा। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 680 ग्राम प्लस का होता है, 680 ग्राम का, जिसमें जितना ओरिजिनल पिस्टल होता है। इसमें बटन दिया है ये वाला, आपने बटन दबाया और मैगजीन ड्रॉप रहती है, ओरिजिनल जैसे कि मैगजीन इसके अंदर रहती है, और इसी के अंदर CO2 सिलेंडर लगता है। जी, बिल्कुल लोडेड है सिलेंडर, और 18 छर्रे जो मेटल बॉल्स होते हैं, आपने 18 एक बार लगा लिए। लगाने के बाद जैसे ओरिजिनल पिस्टल को आपने लोड करते हैं वैसे ही आप इसको लोड करेंगे, और जब ये लोड हो जाएगा उसके बाद बैक टू बैक आपको खाली चलाते जाना है, आपको बार बार लोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती इस एयर पिस्टल में। ये होते हैं CO2 एयर पिस्टल्स। इसमें एक एडिशनल फीचर दिया होता है, ये है सेफ्टी लॉक, आपने इसको नीचे कर दिया, आपका पिस्टल फायर नहीं होगा जी। और ये अभी ये लॉक है, अभी ये लॉक है, अब फायर नहीं होगा जी। जैसे ही आप इसको अनलॉक करेंगे ये पूरा का पूरा फायर हो रहा है। ये लेफ्टी और राइटी के लिए दोनों होता है, ताकि आप लेफ्ट हैंड से लेंगे तो इससे लॉक कर लीजिए, और अगर लेफ्ट में लिया तो इस हैंड से लॉक कर लिया थंब से, और राइट में लिया तो इधर से लॉक कर लिया जी। ये CO2 पिस्टल। एक और CO2 एयर पिस्टल मेरे पास अवेलेबल है,
ये एएसजी का मॉडल है, सेम मैकेनिज्म, गैस सिलेंडर अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी, आपने गैस सिलेंडर लोड किया, इसमें गैस थोड़ी ऑलरेडी है, फिल्ड है, हमने गैस फिल करी हुई है जी। और इसको आपने एक बार लोड किया और लगभग ये ऐसे रहेगा, नहीं गैस उसमें भी नहीं है, अभी हमने डाली है गैस, हाँ गैस उसमें भी नहीं है। ये एक और मॉडल है एसी का, खाली सिलेंडर लगा हुआ है ताकि उसके अंदर डस्ट ना आए, खाली सिलेंडर भी आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों मॉडल हो गए अपने इंग्लिश एयर पिस्टल्स के। इसी प्रकार इंग्लिश रिवॉल्वर के मॉडल भी आते हैं, जो कि अभी कोविड के लिए इंपोर्ट रुकी हुई है, तो अभी इंपोर्टेड रिवॉल्वर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो कब तक आ पाएंगे? 10-15 दिन के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि हमारा नया कंसाइनमेंट आने वाला है। नहीं, रिवॉल्वर जो होंगे वो इंग्लिश होंगे, इंग्लिश की किसी भी इंग्लिश CO2 की स्टार्टिंग लगभग 30-32 हज़ार से ही होती है। बिल्कुल, CO2 होता है गैस ऑपरेटेड, CO2 का फुल फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी कंपनी द्वारा फिल्ड करके आती है, तो आपको खाली सिलेंडर लगाना है, तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म, और एक सिलेंडर लगभग आपको 80 शॉट चला के दे देता है। तो आपने एक बार सिलेंडर लगाया जिसकी कीमत बाज़ार में आज की रेट में लगभग 250 रुपये होगी, और वो आपको 80-100 शॉट चला के देगा। बार बार लोड करने की आवश्यकता इंग्लिश एयर पिस्टल्स में नहीं होती जैसे कि इंडियंस में होती है। ये आपने लोड करा, ताकत लगाई, ये सब लगाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इंग्लिश में, ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। प्लस इसमें प्रेशर कंपेरेटिवली कम होता है, जितना CO2 में होता है उसमें ज़्यादा होता है, इसकी मारक क्षमता कम रहती है। लेकिन अगर आपका बजट मान लीजिए 5,000 के नीचे है तो आप ये बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी चॉइस होती है। और अगर मान लीजिए 5,000-7,000 रुपये की रेंज में है तो ब्लैंका एयर पिस्टल आप ले सकते हैं। और अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल लाइसेंस नहीं बनवाएं लेकिन उसके बाद भी अच्छी क्वालिटी का पिस्टल रखें और लाइफ लॉन्ग रखें, तो आपने एक बार CO2 पिस्टल परचेज कर लिया और उसके बाद आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट फ्री, लाइफ टाइम के लिए। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते, एनएफ इन केस ख़राब हो जाते हैं तो रिपेयरेबल होते हैं। अच्छा, इनकी कोई गारंटी वारंटी होती है? गारंटी सर नहीं होती क्योंकि इंपोर्ट करा के मंगाते हैं हम लोग। हाँ, इतनी ज़रूर है कि अगर कोई चीज़ रिपेयर ख़राब होती है तो हार्डली 2-3 हज़ार रुपये में हम इसको रिपेयर करा देते हैं। ख़राब डेड ही नहीं होगा कभी आपका ये वेपन, हमेशा रिपेयर हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो अपने एयर गन्स में, अपना एयर पिस्टल गन्स में आ गए, और अभी हम जो है आप मतलब जो भी ऑडियंस है तो ऑडियंस की डिमांड पे कि जो एयर राइफल्स होती हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, एयर राइफल्स भी जो हैं इंडियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लगभग 3-4 हज़ार रुपये में आ जाती हैं। इंग्लिश एयर राइफल ब्रेक बैरल स्प्रिंगर में जाएंगे तो लगभग 65-60-65 हज़ार रुपये की रेंज में आती हैं, और अगर आप पीसीपी में जाएंगे जो कि गैस ऑपरेटेड होती हैं वो भी 60-65 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाएंगी। तो सर, पीसीपी मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ अभी एयर राइफल्स।